हेयर कट हो या नेल ट्रिमिंग या फिर बात, आजकल कुत्ते इन सारी चीजों के लिए पार्लर का रुख कर रहे हैं। पटना के पेट लवर्स अपने कुत्ते को पार्लर ले जाते हैं और उनका सौंदर्यीकरण कराते हैं। राजधानी में पेट लवर्स की संख्या बढ़ रही है और इसके साथ ही कुत्तों के ब्यूटी पार्लर की डिमांड भी बढ़ गई है। आइए जानते हैं पशु चिकित्सक से क्या है इसके पीछे की वजह। ट्रेंड तो पेट लवर के पॉपुलेशन डे बाई डे मतलब बढ़ते ही जा रहा है, चाहे पेट लवर हो चाहे स्ट्रे डॉग का लवर हो। मतलब जो क्रेज है ना पेट्स के प्रति पटना वासी क्या पूरे बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका क्रेज बढ़ते जा रहा है। और जहाँ तक रहा कि सलून की बात करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए सलून होता है, वैसे ही हमारे पेट्स के लिए चार पैर वाले बच्चे के लिए भी आजकल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। क्योंकि एक समय के बाद, जैसे अभी समर का टाइम है, इसमें स्वेट ग्रैंड होते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिक्स प्लीज के टाइम होता है कि पूरे बॉडी पे आ जाता है, उसके लिए हेयर कट की बहुत जरूरत होती है। पटना में पालतू जानवर और स्ट्रीट डॉग्स को मिलाकर करीब 30 से 35 हजार के आसपास कुत्ते हैं, जिसमें से करीब 15 से 20 हजार लोग ऐसे हैं जो अपने पालतू जानवरों और कुत्तों का काफी खास ख्याल रखते हैं। 10 से 15 हजार लोग पालतू जानवर तो रखते हैं लेकिन उनका अधिक ख्याल नहीं रखते। क्यों जरूरी हो जाता है कुत्ते को पार्लर ले जाना, बता रहे हैं पशु चिकित्सक विकास कुमार शर्मा। जो डॉग होते हैं जिनमें हेयरी होते हैं, उनको डेली आपको ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है। अगर डेली ब्रशिंग नहीं करेंगे तो मैटेड हो जाएंगे, तो उनको भी आप दिक्कत होगा, तो टाइम टू टाइम उनको भी सलून जाना पड़ेगा। नेल ट्रिमिंग जो हर एक 2.5 से 3 महीने पे एक बार नेल ट्रिमिंग जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आए दिन आप अगर आपके यहाँ कच्चा फ्लोर है, रफ है, तो वो अपने आप मान ली हो जाएगा। लेकिन अगर आजकल मार्बल का ट्रेंड चल रहा है, मोज़ेक का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि नेल घिस नहीं पाते हैं, तो उनको आप टाइमली उनको आप नेल ट्रिमिंग करना होगा। ईयर क्लीनिंग की बात करते हैं, इनमें वैक्स बनता है, इनका जो एल शेप में इंटरनल ईयर कैनाल होता है, तो वहाँ पे वैक्स डिपॉजिट होता है, तो कोई एक्सपर्ट ही वो वैक्स को निकालेगा। वैक्स नहीं निकलेगा तो वहाँ पे कई तरह के ओटोरिया पस बनने लगेंगे, ईयर इन्फेक्शन होने लगेगा, टिक्स फ्ली का के समय हिमाटोमा डेवलप करने लगेगा। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम आपको सलून जाना ही पड़ेगा। मतलब एज ए मतलब वैक्सीनेशन वगैरह जो पार्ट है वो तो है, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए, मतलब साल में 2 बार हेयर कट के लिए आपको ये जाना पड़ेगा। कह सकते हैं कि दूसरे बड़े शहरों की तरह पटना में भी पेट लवर्स की संख्या बढ़ गई है और उनकी ग्रूमिंग के लिए भी लोग अब नए नए आशियाने तलाश रहे हैं और नए नए जगहों पर जाकर अपने कुत्तों का बढ़िया से देखभाल करवा रहे हैं। वहीं दुकानदारों ने यह भी बताया कि जैसे जैसे कोरोना संक्रमण खत्म होगा फिर से स्थिति पहले की तरह हो जाएगी और मार्केट पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सहयोगी अशोक के साथ प्रणव राजी, टीवी भारत, पटना।